वैसे मैं कक्षा 4 पढ़ाती हूँ, स्कूल रेडनेस के लिए मैं कक्षा 1 में चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं गतिविधि 2 अक्षर से बने शब्द का बता रही हूँ। यहाँ सर जैसे यहाँ हम 2 अक्षर से बने शब्द लिखे हैं ऊपर, जैसे बच्चों को पहले ग्रीन बोर्ड पे हम व्यंजन लिखा देते हैं, जब बच्चे अच्छे पहचान जाते हैं तो फिर शब्द बनवाते हैं। तो एक फिर उस व्यंजन जब बच्चे पहचान रहे हैं तो हम उनसे फिर करते हैं चित्र बना देते हैं। तो यहाँ जो है चित्र से बच्चे देख रहे हैं, नल सभी देखते हैं, तो उससे आप लोग जैसे नल देखे हैं बच्चों बोलते हैं हाँ, तो नल कितने अक्षर से बन के बने हैं तो बच्चे यहाँ पहचानते हैं व्यंजन से। फिर बताते हैं कि ना और ल मिलके नल होता है, इस तरह से जो है कुछ से नल है, घर है, फल है, इस तरह से तो सबके सबको पहचान करवाते हैं। मैम तो ये आप बच्चों से लिखवाती हैं कि आपने फ्लैश कार्ड या कटआउट्स निकाल के बच्चों को उसमें से पिकअप करवाती हैं, दोनों में से क्या करवाती हैं? सर जैसे हम ये व्यंजन बच्चे हमारे पढ़ लेते हैं, कभी कभी पहचान कर लेते हैं, तो ग्रीन बोर्ड पे ही हम चित्र बना देते हैं। तो फिर कहते बच्चे अब इसका इनसे नल बना दिए, तो पूछ रहे बच्चे कैसे नल कैसे लिखेंगे आप? बच्चे कहेंगे मैम जैसे न ल होता है तो नल, बच्चा जाके लिखता है कि कटआउट ला के उस पर लगाता है, न उठा के रखता है। हाँ तो सर हम इस तरह से दिखाए हैं। हाँ तो वहाँ पे बच्चे लिखते भी हैं, लिखते हैं मतलब हम दोनों चीज़ कर सकते हैं, बच्चे पहचान कर भी उठा सकते हैं, रख सकते हैं, अगर लिखना जानते हैं तो लिखने वाला काम भी। 2-in-1 गुड मॉर्निंग।